कर्नाटक में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले कर्नाटक की राजनीति में लिंगायत समाज की चर्चा हो रही है। कांग्रेस बीजेपी दोनों ही राजनीतिक पार्टियां लिंगायत समाज को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रही हैं। ऐसा माना जाता है कि कर्नाटक में उसी की सत्ता रहती है जिसकी तरफ लिंगायत समाज हो। शायद ये शब्द आपके लिए नया हो। नमस्कार, मैं पंकज कुमार और मैं आज बात करूंगा लिंगायत समाज पे। कौन लोग हैं ये धर्म है या कोई खास समाज है, कौन सा ये समुदाय है, आइए सबको जानते हैं इस वीडियो में। लिंगायत समाज पहले हिंदू वैदिक धर्म का ही पालन करता था, लेकिन कुछ कुरीतियों से दूर होने, उनसे बचने के लिए इस नए संप्रदाय की स्थापना की गई। लिंगायत शब्द कन्नड़ के शब्द लिंगवत से निकला है। 12वीं सदी में समाज सुधारक बासवन्ना ने हिंदू जाति व्यवस्था में दमन के खिलाफ आंदोलन छेड़ा और लिंगायत समाज की स्थापना की। बासवन्ना का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने मूर्ति पूजा के खिलाफ आवाज उठाई और वेदों को खारिज किया। अब लिंगायत समाज के लोग उन्हें भगवान बासवेश्वरा भी कहते हैं। लिंगायत हिंदुओं के भगवान शिव की पूजा नहीं करते, लेकिन अपने शरीर पर इष्टलिंग धारण करते हैं। ये अंडे के आकार की गेंदनुमा आकृति होती है जिसे वे धागे से अपने शरीर पर बांधते हैं। लिंगायत इस इष्टलिंग को आंतरिक चेतना का प्रतीक मानते हैं। पहला सवाल, क्या वीरशैव और लिंगायत एक ही हैं? मान्यता ये है कि वीरशैव और लिंगायत एक ही लोग होते हैं, लेकिन लिंगायत लोग ऐसा नहीं मानते। उनका मानना है कि वीरशैव लोगों का अस्तित्व समाज सुधारक बासवन्ना से पहले भी था। वीरशैव भगवान शिव की पूजा करते हैं। इस विरोधाभास की कुछ वजहें भी हैं। बासवन्ना ने अपने प्रवचनों के सहारे जो सामाजिक मूल्य दिए, कालांतर में वे बदलते गए। हिंदू धर्म की जिस जाति व्यवस्था का विरोध किया गया वो लिंगायत समाज में ही आ गया। बासवन्ना का अनुयायी बनने के लिए जिन लोगों ने कन्वर्जन किया वे बनजिंगा लिंगायत कहलाए। वे पहले बनजिगा कहे जाते थे और ज्यादातर कारोबार करते थे। लिंगायत समाज अंतर जाति विवाहों को मान्यता नहीं देता, हालांकि बासवन्ना ने ठीक उसके उलट बात कही थी। लिंगायत समाज में स्वामी जी यानी कि पुरोहित वर्ग की वैसी ही स्थिति है जैसे बासवन्ना के समय में ब्राह्मणों की स्थिति थी। दूसरा सवाल, लिंगायत समाज में अंतिम संस्कार कैसे होता है? लिंगायत परंपरा में निधन के बाद शव को दफनाया जाता है। दो तरह से शव दफनाए जाने की परंपरा है, एक बिठाकर और दूसरा लिटाकर। दोनों में से किस विधि से दफनाना है इसका चयन परिवार करता है। लिंगायत परंपरा में मृत्यु के बाद शव को नहलाकर बिठा दिया जाता है। शव को कपड़े या लकड़ी के सहारे बांध दिया जाता है। जब किसी बुजुर्ग लिंगायत का निधन होता है तो उसे सजा धजा कर कुर्सी पर बिठाया जाता है और फिर कंधे पर उठाया जाता है। इसे विमान बांधना कहते हैं। कई जगह लिंगायतों के अलग अलग कब्रिस्तान भी होते हैं। तीसरा सवाल, लिंगायत समाज का राजनीतिक महत्व क्या है? लिंगायत समाज मुख्य रूप से दक्षिण भारत में है। लिंगायत समाज को कर्नाटक की अगड़ी जातियों में गिना जाता है। इस राज्य में आबादी का 18% हिस्सा लिंगायत समाज का है। महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लिंगायतों की अच्छी खासी संख्या है। कर्नाटक में 2018 में चुनाव होने हैं, ऐसे में लिंगायत समुदाय इसमें काफी अहम भूमिका निभा सकता है। 70 के दशक तक लिंगायत दूसरी खेतीहर जाति वोकालिगा लोगों के साथ सत्ता में बंटवारा करते रहे। वोकालिगा दक्षिणी कर्नाटक की एक प्रभावशाली जाति है। देवराज उर्स ने लिंगायत और वोकालिका लोगों के राजनीतिक वर्चस्व को तोड़ दिया। अन्य पिछड़ी जातियों, अल्पसंख्यकों और दलितों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर देवराज उर्स 1972 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने। 80 के दशक की शुरुआत में लिंगायतों ने रामकृष्ण हेगड़े पर भरोसा जताया। जब लोगों को लगा कि जनता दल राज्य को स्थायी सरकार देने में नाकाम हो रही है तो लिंगायतों ने अपनी राजनीतिक वफादारी वीरेंद्र पाटिल की तरफ कर ली। पाटिल साल 1989 में कांग्रेस को सत्ता में ले आए, लेकिन वीरेंद्र पाटिल को राजीव गांधी ने एयरपोर्ट पर ही मुख्यमंत्री पद से हटा दिया और इसके बाद लिंगायतों ने कांग्रेस से मुंह मोड़ लिया। रामकृष्ण हेगड़े लिंगायतों के एक बार फिर से चहेते नेता बन गए। हेगड़े से लिंगायतों का लगाव तब भी बना रहा जब वे जनता दल से अलग होकर जनता दल यूनाइटेड में आ गए। हेगड़े की वजह से ही लोकसभा चुनाव में लिंगायतों के वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले और केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी। रामकृष्ण हेगड़े के निधन के बाद लिंगायतों ने बी एस येदियुरप्पा को अपना नेता चुना और साल 2008 में भी सत्ता में आए। जब येदियुरप्पा को कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद से हटाया गया तो लिंगायतों ने साल 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार से अपना बदला ले लिया। तो लिंगायत समाज का आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप कुछ जोड़ना चाहते हैं इसमें तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। किसी खास टॉपिक पे जानना चाहते हैं तो वो भी हमें बताइए, हम उस पर रिसर्च करेंगे और आपको उस पर वीडियो बनाकर देंगे।
हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए और नीचे बेल आइकन दिख रहा होगा उस पर भी क्लिक करिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।